लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये फैक्ट सिर्फ हम ही नहीं बल्कि प्रेस, पब्लिक और गवर्नमेंट सब अच्छी तरह जानते हैं कि आए दिन के ये एक्सीडेंट एक्सीडेंट नहीं बल्कि दुश्मन के एजेंट्स की सरगर्मियां हैं जो हमारे देश को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। हम आज तक उनका एक आदमी भी गिरफ्तार नहीं कर सके, ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। मिस्टर स्कॉर्पियन, हमारी पार्टी आपके सेबोटाज काम से बहुत खुश है और ये 10 लाख रुपया आपके लिए भेजा है। जूली, मिस्टर चैंग से बैग ले लो। यस स्कॉर्पियन। हमारी पार्टी ने कहा है कि अगर काम ऐसा ही होता रहेगा तो हम इनाम ऐसा ही भेजता रहेगा। मिस्टर चैंग, अपनी पार्टी से कह दो वो रुपए भेजते रहे, इधर काम होता रहेगा। राइट। कमिश्नर स्पीकिंग। सबोटाज करने वाले और उनके लीडर की तस्वीर मेरे पास माइक्रोडॉट्स के रूप में मौजूद है। क्या तुम यकीन के साथ कह रहे हो? जी हाँ, मेरी दी इन्फॉर्मेशन कभी गलत निकली है? कीमत क्या होगी? जी सिर्फ 1 लाख रुपए। ठीक है, तुम वो तस्वीरें लेकर फौरन यहाँ जाओ। मैं नहीं आ सकता सर, अगर आप अपना। अच्छी बात है, तो हम अपना आदमी भेज रहे हैं पहचान के लिए। उसकी दाहिनी कलाई पर काला निशान हो। बैठ जाओ, मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन छोड़ दूं, वहां जाकर कंप्लेन लिखवा देना। आओ। थैंक यू। गुड बॉस। रीटा, तुमने बहुत बड़ा काम किया है, अब तुम्हें आराम करना चाहिए। इसके आराम का बंदोबस्त कर दो। Thank you.
65 का नया नमूना। आप इसे मेरे बंगले पहुंचवा दीजिए, पेमेंट भी आपको वहीं मिल जाएगी। वेरी वेल सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड इवनिंग सर। कहिए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं? आपके इस सवाल के जवाब के लिए ये काफी है। बिल्कुल। कैश लाए हैं आप? अभी हाजिर हुआ। Drop that gun, Mr. Holmes. अगर तुमने हिलने की कोशिश की तो जान से हाथ धो बैठोगे। लाओ वो फिल्म मेरे हवाले कर दो। फिल्म? कौन सी फिल्म? वही जो तुमने बॉस की खुफिया मीटिंग में उठाई थी और जिसके लिए सीएडी का वो आदमी तुम्हें यहाँ 1,00,000 रुपया दान देने के लिए आ रहा था। 4 लाख ही करने की कोशिश नाकाम साबित होगी। वो फिल्म मेरे हवाले कर दो। मिस्टर गॉम्स जाओ बाहर देखो कौन आया है। इस बात का ध्यान रखना अगर कोई भी गलत कदम उठाया तो अच्छा ना होगा। कितने पैसे हुए? डोंट वरी, पैसे मिल जाएंगे आपके चार लेंगे। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक। फिल्म कहां है? मैं सच कहता हूं मुझे नहीं मालूम। यह दूसरा मौका है, सच सच बता दे वो फिल्म कहां है। मैं सच कहता हूं मैं नहीं जानता। अभी आखिरी मौका है, अब तो बता दो। मैं सच कहता हूं खुदा के वास्ते मुझे ना मारो, मैं कुछ नहीं जानता। ये बात है? अच्छा तो तुम्हारी मर्जी। बताता हूं जो लड़का अभी आया था ना उसी के गिटार में वो फिल्म रख दिया है। वो फिल्म रख Yeah. 1, 2, 3, baby, yeah. 1, 2, 3, baby, yeah. 1, 2, 3, baby, yeah. कहाँ
ये मोहब्बत की बातें, ये मदहोश रातें कहाँ। ओए 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 कहाँ फिर कहाँ ये मोहब्बत की बातें, ये मदहोश रातें कहाँ। One two three baby, yeah yeah yeah, yeah yeah yeah, yeah yeah yeah. One two three baby, yeah yeah yeah, yeah yeah yeah. छेड़ दो ऐसा नगमा कोई के सारी फजा गुनगुनाने लगे। वो दिल जो के उल्फत से अनजान है, वफा के तराने सुनाने लगे। ओए मेरे दिल की धड़कन सुनो तो सुनाऊं, अजब है मेरी दास्तां। ओए 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 मेरे दिल की धड़कन सुनो तो सुनाऊं, अजब है मेरी दास्तां। One two three baby, yeah yeah yeah, yeah yeah yeah, yeah yeah yeah. One two three baby, yeah yeah yeah, yeah yeah yeah, yeah yeah yeah. ये दुनिया है प्यारे यहाँ हर जगह, है शैतान इंसान के भेस में। हजारों ही दुश्मन हैं ऐसे यहाँ, जो मिलते हैं मेहमान के भेस में। बचा लो दिलों के खजाने बचा लो, लुटेरे खड़े हैं यहाँ। ओए 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 बचा लो दिलों के खजाने बचा लो, लुटेरे खड़े हैं यहाँ। One two three baby, yeah yeah yeah, yeah yeah yeah, yeah yeah yeah. One two three baby, yeah yeah yeah, yeah yeah yeah, yeah yeah yeah. Mr. Vicky. Yes? Just a minute. कुदरत ने आपको कयामत की आवाज दी है, और गिटार तो आप गजब की बजाते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपके गले में जादू, और इस गिटार में जरूर कोई राज है। राज? राज इस गिटार में नहीं, मेरी उंगलियों में। अगर आप चाहें तो इन्हें चूम सकते हैं। थैंक यू मिस्टर विकी। ये मेरी खुशकिस्मती होगी कि अगर मैं आप जैसे इतने बड़े कलाकार की गिटार को अपने म्यूजियम की शान बना सकूं। रेस्ट अश्योर, मैं इसके लिए आपको मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ। देखिए, सच्चे कलाकार अपने आर्ट को बेचा नहीं करते। और फिर ये गिटार, ये तो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है, क्योंकि ये मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है। विक्की, कमिंग डार्लिंग। सॉरी जेंटलमैन, बाय। अरे ये क्या कर रही हो? लाइट कर रही हो? ऐसा जुल्म ना करना। क्यों? आज की रात मैं तुम्हें इन आंखों से नहीं, दिल की आंखों से देखना चाहता हूँ। यू लायर। नेवर। नैंसी, अब वो दिन दूर नहीं जब मैं तुम्हें इस तरह उठाकर सबके सामने से ले जाऊंगा। तो लोग क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि ये हस्बैंड एंड वाइफ है, इन्हें जाने दो। फिर बेडरूम में लाकर मैं तुम्हें इस तरह सजा दूंगा, तुम शर्मा कर उस तरफ हो जाओगी। मैं तुम्हें बेखबर अपने सपनों में सजा लूंगा। ओ विक्की, नैंसी।
बुला के ला। गॉन्स, तुम्हारी हालत किसने की? विक्की, तुम्हारी गिटार। गॉन्स, तुमने इसे मार डाला। हाँ, हमने इसे मार डाला। लेकिन तुम तो वही हो जब मुझसे गिटार मांगने होटल में आए थे। पहचान गए, हम यहां भी तुमसे वही गिटार लेने आए। मैं हरगिज नहीं दूंगा। बेकार जिद ना करो, वरना तुम्हारा भी यही अंजाम होगा। गिटार देते हो या? जाने दो, भाग कर जाएगा। खून मर्डर। किसका? मेरा। नहीं नहीं नहीं, मिस्टर गोम्स का। उनकी लाश मेरे साथ में पड़ी हुई, आप जल्दी चलिए मेरे साथ। प्लीज हरी आप प्रिंसिपल साहब। अब्दुल। यस सर। चलो। आइए ये रही लाश। लाश गायब? कपड़ा सीने की सुई थी जो गायब हो गई। मैं सच कहता हूँ इंस्पेक्टर साहब, मिस्टर गोम्स से ही दम तोड़ा था। उन गुंडों ने वहीं से गोली चलाई थी। उन्होंने मुझ पर भी गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन मैं चालाकी से पीछे हटता रहा, वो आगे बढ़ते रहे। और जब वो मेरे सामने आए, मैंने गिटार से पिस्तौल उड़ाई। शीशा तोड़कर। अरे, ये शीशा भी साबित? जादू से हो गया। देखो मिस्टर विकी, हम जानते हैं कि आज 1 अप्रैल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम पुलिस को भी अप्रैल फूल बनाओ। बिलीव मी इंस्पेक्टर, मैं आपको अप्रैल फूल नहीं बना रहा हूँ। अगर आपको यकीन ना हो, चलिए मेरे साथ नैन्सी से पूछवा देता हूँ। वो भी उस वक्त मेरे साथ थी। नैन्सी का मायने की लड़की, विकी का बच्चा। हम तुमको कितनी बार मना के हमारे घर में तुम छोकरी लोग लेके मत आया करो। ये मैडम कौन है? मेरी लैंड लेडी मिस ब्यूटी। यस यस, हम इस लैंड का लेडी है। इंस्पेक्टर साहब, हमारा बेड लक किस खराब था जो इस छोकरे को हम रूम दिया इधर रहने को। है क्या करता है, कभी छोकरी लाता है कभी पुलिस लाता है। इस छोकरे ने मेरा मकसद फेर दिया एकदम। देखो मैडम, हमारा भेजा मत चाटो। हम तेरा भेजा नहीं, तेरी आंखें निकाल के फ्राई करके खा जाएगा। कभी नैन्सी, कभी गीता, कभी रीता, कभी थलमा, ये सब रोज रोज नया छोकरी लाता है। इंस्पेक्टर साहब, तुम अभी इसका रिपोर्ट लिखो। हम तो बोलता है इसको होल लाइफ के लिए फांसी को चढ़ा दो बस। ओह माय गॉड, इतना छोकरी, इतना छोकरी। इसमें तुम्हारे बाप का क्या जाता है? हमारे बाप का क्या जाता है इडियट? हाँ, हम बरसों से इधर अकेला रहता है और तुम रोज रोज नया नया छोकरी लाता है। हमारा दिल नहीं जलेगा। स्टॉप इट, स्टॉप इट। इंस्पेक्टर साहब, आप एक बार नैन्सी के वहां चलिए, आपको सच और झूठ का पता चल जाएगा। चलिए जाओ, जाओ उधर, सच झूठ बताओ। विकी, तुम इस वक्त और वो भी पुलिस के साथ? हाँ नैन्सी, इनको बता दे तुम मेरे साथ मेरे फ्लैट में थी और तुमने भी मिस्टर गोम्स को दुखी हालत में देखा था। गोम्स? कौन गोम्स? विकी, तुम होश में तो हो? शो के बातों में सीधे खर आ गई, तब से तो मैं यही हूँ। क्या कह रही हो तुम? Oh, I'm so tired. Please excuse me, good inspector. नैन्सी, तो अब और कहाँ चलना है? इंस्पेक्टर साहब, कोई यकीन क्यों नहीं करते? मैं सच कहता हूँ, मिस्टर गोम्स की लाश मेरे फ्लैट में। गुड नाइट मिस्टर विकी, अब इन्हें ज्यादा परेशान मत करना, समझे?
तुम शायद कटने जा रहे हो और मैं कटने से बच कर आया। दम उधर नहीं, दम इधर। मगर तुम्हें दम निकालने के लिए चाकू की क्या जरूरत है? तुम्हारे एक इशारे पे फैसला हो सकता है। चाचा जान पड़ता है घर से भाग कर आई हो, और घर से भागने के लिए लड़के के सिर्फ दो कारण हो सकते हैं। एक तो जबरदस्त की शादी, राइट? रॉन्ग। जाने दो इसे। दूसरा ये हो सकता है जिसे दिल दिया हो उससे मिलने के लिए जा रही हो। बको मत। अगर मैं बक रहा हूँ तो तुम्हें कुछ फरमाओ ना। हम ये क्यों फरमाएं कि हम डैडी की पाबंदियों से घबरा कर भागे हैं? ये भी नहीं फरमाओगी? पाबंदियाँ क्या थी? नहीं तो हम फरमाते हैं। वो कहते इस वक्त खाना, उस वक्त सोना, इस वक्त आना, उस वक्त जाना, और जाना भी तो अकेली मत जाना, है ना? बिल्कुल ठीक। लेकिन तुम्हें ये सब कैसे मालूम हुआ? जरूर डैडी ने तुम्हें सब कुछ बताकर भेजा है। ना मैं तुम्हारे डैडी का भेजा हुआ हूँ, ना मैं उनको जानता हूँ। तुम्हारा नाम? मैं अपना नाम क्यों बताऊं? अच्छा मैं अपना नाम बताता हूँ। मेरा नाम विक्की है। विक्की, ऐसा नाम पहले कभी सुना है तुमने? नहीं, मेरा नाम रोमा। रोमा? रोमा, ऐसा नाम सुना है पहले? अब तो सुन लिया ना, और हमेशा याद रखूंगा। अच्छा ये तो बताओ अब तुम कहाँ जा रही हो? सारी दुनिया। इस छोटी सी जिंदगी में सारी दुनिया देखना बहुत मुश्किल है मेरे साथ। इससे बेटर ये है एक छोटी सी दुनिया बना लो और जी भर के देखो। बनाई जा सकती है? हाँ हाँ, ठीक ठीक साथी मिले तो। ने अपनी दुनिया बना ली? अब ना क्या, ना अपने को ठीक ठीक साथी मिला है ना अपनी दुनिया। ये गुंडे तो ट्रेन के पीछे भी पड़े हुए हैं। कौन से गुंडे? वही जिनसे जान बचाकर मैं भाग रहा हूँ। कॉलिंग O2, कॉलिंग O2, O2 स्पीकिंग, ओवर। पोस्ट नंबर 2 पर जो मालगाड़ी आ रही है उसे रोक लो। अब यहाँ से भागने का रास्ता निकलना चाहिए, नहीं तो इन भेड़ बकरियों के साथ हमारा भी ठीक कबाब बन जाएगा। क्या करें? क्या गाड़ी से कुछ नहीं तो और बचने का रास्ता नहीं है। क्या फूल किस ले लो? आपकी पाबंदियों से तंग आकर मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। मुझे ढूंढने या वापस लाने की कोशिश मत कीजिएगा। दुनिया की सैर करके मैं खुद ही वापस आ जाऊंगी। आपकी बेटी रोमा। स्टूपिड गर्ल, आप कहे तो पुलिस को इत्तला कर दीजिए। नहीं, हमारी बेटी भी हमारी तरह जिद्दी है। अगर उसे जबरदस्ती लाने की कोशिश की गई तो मुझे डर है वो अपने आप को कुछ कर बैठेगी। तो फिर मेरे लिए क्या ऑर्डर है? सिर्फ इतना मालूम करो कि वो कहाँ है और किसी तकलीफ में तो नहीं है। कहाँ चली गई? लगता है चली गई। अब शायद वो कभी नहीं मिलेगी। वाह रे किस्मत, साथी भी दिया तो सिर्फ थोड़ी देर के लिए। कैसी बड़ी बड़ी आंखें, गुलाब जैसे होंठ। हाय, किसी तकदीर वाले को ही मिलेगी।
के काजल, आँखों में कयामत के काजल, होंठों पे गजब की लाली है। बंदा परवर कहिए किसकी, बंदा परवर कहिए किसकी, तकदीर संवरने वाली है। आँखों में कयामत के काजल, होंठों पे गजब की लाली है। बंदा परवर कहिए किसकी, तकदीर संवरने वाली है। आँखों में कयामत के काजल। मर जाऊं तुम्हारे गालों पर, जिनमें के गुलों की लाली है। बंदा परवर कहिए किसकी, बंदा परवर कहिए किसकी, तकदीर संवरने वाली है। आँखों में कयामत के काजल। कुछ कह न सका मैं दीवाना, कहते हैं मगर हालात मेरे, या आप नशे में डूबे हैं, या आप नशे में डूबे हैं, या मेरी नजर मत वाली है। बंदा परवर कहिए किसकी, बंदा किसकी, तकदीर संवरने वाली है। आँखों में कयामत के काजल, होंठों पे गजब की लाली है। बंदा परवर कहिए किसकी, तकदीर संवरने वाली है। आँखों में कयामत के काजल। ऐसे लगता है तुम यहां छुप जाओ, मैं देखता हूं। चोर, तुम क्या मेरी गाड़ी चुराना चाहते थे? चुराना? जी 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 जी, हम लोग तो गाड़ी टेस्ट कर रहे थे। टेस्ट क्यों? हाँ हाँ, टेस्ट कर रहे थे। बहुत अच्छी गाड़ी है, तूफान है। तूफान? तूफान भी है और आधी भी है, मगर आपको मेरी गाड़ी टेस्ट फेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं, इसलिए के जानी भाई तानी भाई मंगलदास हॉलीवुड पलट की स्वीट हार्ट है। M-A-D-O-O-7। आप लोगों को लिफ्ट चाहिए तो सीधी तरह बात कीजिए। कहाँ जाना है आप लोग? अब शहर तक आइए। चलिए। क्या हुआ? उस तरफ। ये
ये इस शहर का सबसे बेहतरीन होटल है, ना खाने में मक्खी ना बिस्तर में खटमल। और जानी भाई मुझे किसी फुटपाथ पर छोड़ देना, क्योंकि मुझे खुद अपनी मंजिल का पता नहीं। फुटपाथ पे? बालक तुम मेरे साथ जानी भवन चलो, तबीयत साफ हो जाएगी। जानी भवन? राइट मिस्टर विक्की, बाय बाय। रोमा, तुम्हारे साथ गुजरा हुआ यह छोटा सा सफर मुझे हमेशा याद रहेगा। और मुझे भी। चलो जानी भाई। जानी भाई, हेल्प। माफ करना विकी भैया, मैं बटन दबाता रह गया और तुम नीचे पहुंच भी गए। ठहरो, मैं भी आता हूं। जानी भाई आ रहा है। अरे मैं आ गया, ये निकालो, निकालो। बालक, तुम अपने हृदय में अवश्य ये विचार करोगे कि जानी भाई अपने जानी भवन के रास्तों को आड़ा टेढ़ा क्यों बना रखा। उसका कारण यह है कि यहाँ आने वाले लोग भी सब आड़े टेढ़े हैं, उनसे बचने के लिए सात चक्कर चला रखे। अरे तुम्हारे कपड़े खराब हो गए, तुम अलमारी से तौलिया लेके कपड़े पोंछ डालो, जब तक मैं तुम्हारे लिए शुद्ध चाय खींच के लाता हूं। अच्छा जाओ। जानी भाई, अलमारी में कोई है? अरे कोई नहीं है बालक, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैंने अपने बचाव की ये सब तरकीबें कर रखी हैं। अलमारी ऐसे नहीं, ऐसे खुलती है। तुम भाओ, ये लो तौलिया। क्यों, मेरा जानी भवन पसंद आया? जितनी तारीफ तुमने की थी उससे कहीं ज्यादा पसंद आया। अरे अभी तुमने देखा ही क्या? और भी कुछ देखना बाकी है क्या? अरे बाबा, मैं सब दिखाता हूँ, पहले मैं तुम्हारे लिए चाय का जरा प्रबंध कर लूँ। जानी भाई, ये कौन सी मुसीबत में फंसा दिया तुमने? मारे चक्करों का हाल बुरा हो रहा है। चक्कर? हाँ। तो मैं अभी तुम्हारे आराम का इंतजाम किए देता हूँ। जानी भाई, वो क्या? माय बेडरूम। अच्छा। आओ। जानी भाई, चक्कर बहुत आ रहा है। अरे कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तुम यहाँ आराम करो, मैं तुम्हारे लिए वातानुकूल वायु आवरण यावरण यंत्र चालू करता हूं। वो क्या? एयर कंडीशनर। अच्छा। ओ, 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 जानी भाई, जानी भाई, ये क्या हो रहा है? देखिए भाई, चाय पियोगे या कुछ खाओगे भी? जानी भाई, मेरा पेट बहुत भर चुका है, अब तुम ऐसा करो मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। मैं बड़ा फर्स्ट क्लास गिटार प्लेयर हूँ, मुझे छोटी सी नौकरी दिला दो। जानी भाई, नौकरी? हाँ। चलो सोच रहे हो? सोचो। प्रॉब्लम सॉल्व। बालक, कल शाम तक तुम्हारी नौकरी का प्रबंध हो जाएगा। थैंक यू जानी भाई, थैंक यू। हम कॉफी मांगता है कॉफी, बिल नहीं। चल फट। ये पिछले महीने का बिल है, पहला बिल दो फिर कॉफी मिलेगा। पहले बिल दूं? मगर मिस्टर ली, मैं आपको दिल कैसे दे सकता हूँ? मिस्टर विकी, हिंदुस्तान में? मिस्टर विकी, आप हिंदुस्तान कब आए, कैसे आए और क्यों आए, और आए भी तो इस खामोशी से क्यों आए कि सारा शहर तुम्हारी गिटार के जादू में डूबने की बजाय खामोशी में डूब गया? देखो, यहाँ मैं कुछ दिन आराम करने के लिए आया। हिंदुस्तान में आराम हराम है मिस्टर विकी, जिस तरह तुमने अमरीका, अफ्रीका, रूस, कैनेडा और चिंचपोकली के आदमियों को दीवाना बनाया है, आज अपनी गिटार के जादू से हिंदुस्तान के आदमियों को भी दीवाना बना दो। लेकिन यहाँ तो मुझे कोई नहीं पहचानता। अरे कौन कहता है यहाँ तुम्हें कोई नहीं पहचानता? आप देखे साहिबा, क्या आप मिस्टर विकी, फेमस गिटार प्लेयर और अमरीकी फिल्म
दस दिन का आई यानी आंखों में धूल के मिलते डॉक्टर को नहीं पहचानते? अगर नहीं पहचानते तो पहचानने की कोशिश कीजिए, ये वही है, ये वही है। आई थिंक मैंने इनकी तस्वीर स्क्रीन में देखी है। आप स्क्रीन की बात करते हैं हजूर, इस हस्ती की तस्वीर अमेरिका के हर पुलिस स्टेशन पर लगी हुई है। What? मेरा मतलब है ये रेडियो स्टेशन पर। हाँ मैंने भी कहीं देखी है। मगर गाना नहीं सुना, अगर नहीं सुना तो आज सुन लो, ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। तो फिर हो जाए गिटार पर हमारे। यू शट अप मवाली, हम मिस्टर विकी से एक सॉन्ग सुनेगा। वेरी गुड। यस यस मिस्टर विकी, प्लीज गिव अस वन सॉन्ग, जस्ट वन सॉन्ग प्लीज। मैं आप लोगों को एक गाना सुना सकता हूं लेकिन एक शर्त पर। नो वंस मोर प्रॉमिस प्रॉमिस जूरी, विक्की नाम का आदमी जिसकी हमें तलाश है तुम्हारे होटल में आया है, उसे किसी भी कीमत पर वहां रोको। Yes, Scorpion. और प्यार नहीं मिलता, आंखों में किसी की वफा का इकरार नहीं मिलता। लाखों हैं यहाँ दिल वाले और प्यार नहीं मिलता, आंखों में किसी की वफा का इकरार नहीं मिलता। समा कर देखा, हर साज पे गा कर देखा, महफिल महफिल जा देखा, हर दिल में समा कर देखा, हर साज पे गा कर देखा। दिल को कहीं चैन न मिला, दिल को कहीं चैन न मिला, मैं तो दुनिया में प्यारे अकेला ही रहा। लाखों हैं यहाँ दिल वाले और प्यार नहीं मिलता, आंखों में किसी की वफा का इकरार नहीं मिलता। आप अगर फरमाए तो आपके हम हो जाए, इस दिल को कहाँ ले जाए, कुछ आप अगर फरमाए तो आपके हम हो जाए। कह दो हमें हंस के जरा, कुछ भी दिल ने तुम्हारे है कहा। लाखों हैं यहाँ दिल वाले और प्यार नहीं मिलता, आंखों में किसी की वफा का एक
इकरार नहीं मिलता। लाखों हैं यहाँ दिल वाले और प्यार नहीं मिलता। आँखों में किसी की वफा का इकरार नहीं मिलता। थैंक यू। आज तो मैं और गाना नहीं गाऊंगा। आज ना सही, कल तो गाएंगे ना। कल क्यों नहीं? इसलिए नहीं कि गाना बजाना मिस्टर विकी का पेशा है। शौक में हम मिस्टर विकी को जॉब देंगे। मिस्टर विकी ओ प्लीज, आप जनी भाई से बात कर लीजिए। जनी भाई समझ गया समझ गया। मैं इनसे पगार की बात पक्की कर लेता हूँ, तब तक तुम महफिल की क्षमा से मिलाओ। एक्सक्यूज मी। गुड इवनिंग रोमा, गाना पसंद है? अच्छा जरूर बैठता, लेकिन जल्दी है क्या? है तो सही, लेकिन इतनी भी नहीं कि तुम रुकने के लिए कहो और मैं रुक ना सकूं। जैनी भवन में रात कैसी गुजरी? अरे जब अपने दिन ही खराब है तो रात कैसे आराम से गुजर सकती है? क्यों, क्या हुआ? मेरे अलावा वहाँ और भी मेहमान थे, रात भर मुझे सोने नहीं दिया। कोई कानों के पास आके गुनगुनाए और कोई चुटकियां काटे, कोई यहाँ कोई यहाँ कोई यहाँ। कौन थे? मच्छर और खटमल। खैर मेरी जिंदगी तीन लोगों के साथ कटी है। अच्छा ये बताओ तुम्हारी रात कैसी गुजरी? Well, ठीक 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 ठीक। अच्छा रोमा तुम अकेली बोर नहीं हो जाती? हो तो जाती हूँ। तो फिर एक दोस्त क्यों नहीं बना लेती जो तुमसे हंसे खेले, तुम्हारा जी बहलाए? कोई दोस्त बने तब ना। दोस्त बनने की कोशिश तो मैंने भी की थी, लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं। कौन कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं? अगर होता तो तुम मुझसे जुदा नहीं होती, मुझे अपने पास रखती, मुझे इस बात का मौका देती कि मैं तुम्हारा ख्याल रखता, हंसता खेलता, तुम्हारा जी बहलाता और तुम्हारी जिंदगी की उदास पल बाहरों में बदल डालता। लेकिन लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा हो तब ना। मुझे तुम पर भरोसा है विकी। नहीं है रोमा, नहीं है, है। नहीं। और मैं चाहती हूँ कि तुम आज ही इस होटल में आ जाओ। मैं जरूर आ जाता रोमा, लेकिन बात यह है कि इस होटल में कोई कमरा खाली नहीं। तो तुम मेरे कमरे में आ जाओ। तुम्हारा मतलब है हम दोनों एक साथ रहे? नहीं नहीं नहीं, घबराओ मत, मैं जानी भाई की दूसरे मेहमानों की तरह न गुनगुनाऊंगी न चुटकी काटूंगी। अच्छा अगर तुम मुझे मजबूर करती हो तो मुझे रहना ही पड़ेगा। अरे वाह, रूम तो बहुत अच्छा है। रहने वाला भी तो अच्छा है, लेकिन जरा ठंडा लगता है। जी? मेरा मतलब है रूम काफी ठंडा है। तो फिर आपके पास बैठ जाओ, आप सुलग रही है ना? बहुत जोरों से। अरे कहीं फैल तो नहीं जाएगी? काश फैल जाए। कमाल है, क्या तुम यहाँ आग लगाने आए हो? हाँ कोशिश तो यही है, अगर तुम साथ दो तो। ना बाबा ना, आग लगाने में मैं साथ नहीं दे सकती। कोई और बात कहो तो साथ भी दो। अच्छा तो फिर ये आग बुझा दे। हाँ बुझा दो। अच्छा अब बताओ और क्या करो? तुमको जो कुछ करना था वो तो तुमने कर ही दिया, अब मैं सोच रहा हूं मुझे क्या करना होगा। हेलो मिस्टर बिक्की। हेलो। तुमने तो एक शो करके हजारों आदमियों को दीवाना बना दिया है। अच्छा? हाँ, look at this. हमारे एक कस्टमर ने ये सूटकेस तुम्हें गिफ्ट में भेजा है। oh, oh, it's very good, very good. विक्की, हम्म? तुम्हारा यहाँ कब तक ठहरने का इरादा है? मेरा? अगर तुम कहो तो जिंदगी भर यहाँ रह सकता हूँ, मगर एक शर्त पर। वो क्या? उस मैडम की तरह कभी पानी से आग बुझाने की कोशिश मत करना। गुड नाइट। गुड नाइट। कौन थी? वही रिसेप्शनिस्ट जूली। क्यों आई थी? अपने किसी फ्रेंड ने ये सूटकेस भेजा है और कपड़े भी। अरे वाह, बिल्कुल मेरी साइज का है। विकी, हम्म, प्लीज जरा ये रिबन बांध देना। हाँ और कुछ? बस थैंक यू।
बहुत नींद आ रही है। अरे हाँ, तुम कहाँ सोओगे? मैं अब कहाँ सोऊंगा? पहलू में कह रहा है दिल, अब यूं मचल मचल के, हाय गुजरेगी रात अपनी करवट बदल बदल। देखो, अगर तुम्हें यहाँ डर लगे तो वहां आकर सो जाए। क्यों नहीं? गुड नाइट। अगर हुक्म हो तो इन दोनों को आज ही रात खत्म कर दिया जाए। नहीं, सिर्फ गिटार हासिल करो। रोमा, ए रोमा, तुम यहाँ क्यों सो गए? मुझे वहां डर लग रहा था इसलिए यहाँ सो गई। ओ, हेलो। गुड मॉर्निंग मिस्टर विकी, मैं जूली बोल रही हूँ। एक पुलिस ऑफिसर आपसे मिलना चाहती हैं। किस कनेक्शन में? ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन आपको नीचे बुला रहे हैं। अभी आया। किसका फोन था? जूली का। नीचे पुलिस आई है। पुलिस? कहीं मेरी तलाश में तो नहीं है? अगर मेरे बारे में पूछे तो बताना नहीं। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। हेलो, क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? मिस्टर विकी, आपको इसी वक्त हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। क्यों? गोम्स मर्डर केस के सिलसिले में। अच्छा, तो आप लोगों को यकीन हो गया कि मिस्टर गोम्स को मर्डर किया गया था? जी हाँ, इसलिए आपको पुलिस स्टेशन चलकर बयान देना पड़ेगा। अजी, आपको यकीन आने की खुशी में बयान तो क्या, मैं अपनी जान तक देने के लिए तैयार हूँ। ठहरिए, मैं आता हूँ। सुनिए, अपनी गिटार साथ लेते आइएगा। क्यों, गिटार की क्या जरूरत है? क्योंकि हम जानते हैं कुछ गुंडे आपके गिटार के पीछे पड़े हुए हैं। अच्छा अच्छा, रोमा चलो, अपनी जान तो छूटी, पुलिस ने आखिर मेरा विश्वास कर ही लिया। किस मामले में? वही जो गोम्स मर्डर केस वाला मामला मैंने तुम्हें सुनाया था ना। पुलिस ने कातिल को पकड़ लिया। अच्छा? हाँ, गवाही के लिए मुझे बयान देना होगा। मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, यूं गया और यूं आया। इंस्पेक्टर साहब, ये जीप 12 बजे से बंद क्यों? हम नहीं चाहते उन गुंडों को शक हो कि आप पुलिस के साथ हैं। सिगरेट प्लीज। नो थैंक यू, आई एम ऑन ड्यूटी। आइए, पुलिस स्टेशन आ गया। इंस्पेक्टर साहब, ये आप मुझे कहां ले आए? हम नहीं लाए, बल्कि तुम्हारी माँ तुम्हें यहाँ खींच लाई है। ओ, तुम लोगों ने अब तक मेरा पीछा नहीं छोड़ा? तुम गिटार हमें दे देते, पीछा अपने आप छूट जाता। छीन लो इससे गिटार और मारकर पानी में फेंक दो। Come on,
देखिए भाई, मेरी समझ में ये नहीं आता कि इस गिटार में रखा क्या है और गुंडे इसके पीछे क्यों पड़े। मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है जानी भाई, गुंडे इसके पीछे क्यों पड़े। मैंने इसे खोल कर देखा है लेकिन इसमें तो कुछ भी नहीं है। खैर आज तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो फंस गए। आइंदा कभी मुसीबत में फंस जाओ तो इस घड़ी से काम लेना, चाबी बाहर आ जाए और बंदा हाजिर हो जाएगा। इस घड़ी से? हाँ, कभी आजमा के देखना। रोमा, आज तो मैं फंस गया था। ये गुंडे तो मेरी जान के पीछे पड़े हुए हैं, जहां जाता हूं पीछा ही नहीं छोड़ते। न जाने इस गिटार में कौन सी आफत पड़ी हुई है। H-E-L-P जाने भाई क्या हुआ? इब्रिफा, इब्रिफा, अलाफुस, अलाफुस। ये रोमा के अलावा और कोई नहीं लिख सकता। रोमा यहां तो नहीं है। रोमा, 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 ए बालक, मालूम होता है बालिका किसी घोर संकट में फंस गई है। कमाल है, मैं तो उसे यहीं छोड़कर गया था। मेरी समझ में नहीं आ रहा उसे कहां तलाश। मगर कोई बात नहीं, देखिए भाई, जब तक जानी भाई, तानी भाई, मंगलदास, हॉलीवुड पलट तुम्हारे साथ है, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। ये क्या तुम्हारे पास हे बालिका की कोई मुंह पोछनी है? व्हाट हैंकी हैंकी हे रुमाल, रुमाल, जस्ट मैं ये रहा। प्रॉब्लम सॉल्व। सॉल्व फॉलो मी। रोमा, रोमा, आला कबूतर देखता क्या है, गुस्सा मार दिया, टलता फटाना मेरा। जाने भाई क्या हुआ? लेकिन भाई केस क्लोज, फाइल बंद। मतलब मालूम होता है गुंडों ने फिर रोमा को शेर के पिंजरे में डाल दिया था और अब वो अपना भोजन करके फिर डकार मार रहा है। क्या बकवास। कर रहे हो? मैं भी तुमसे यही पूछ रहा हूँ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो बंदरों को खिला रही हूँ, जानते हो इन्हें नट बहुत अच्छे लगते हैं। यू आर ए नट। व्हाट? और नहीं तो क्या, वहाँ दीवार पर हेल्प लिखने का क्या मतलब था? ओ हेल्प, वो तो मैंने मजाक किया था, प्रैक्टिकल जोक। मजाक? कमाल है, है? मेरी तो वहाँ जान निकल गई थी, सोचा न जाने किस मुसीबत में फंस गई हो, कौन उठा कर ले गया है, सारे शहर के खाक छानता फिरा और जब मिली तो देखा कि मेम साहब बड़े प्यार से बंदरों को मूंगफली खिला रही है। तो तुम क्यों जलते हो, तुम भी खा लो ना। देखो रोमा, मुझे इस किस्म का मजाक करने की बिल्कुल आदत नहीं, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो ये बचपना छोड़ना पड़ेगा। देखो मिस्टर, ये छोड़ना पड़ेगा और ये करना पड़ेगा, इसे तंग आकर मैंने अपने बाप का घर छोड़ दिया था, और अगर तुम्हें भी इस किस्म का बर्ताव करना है तो मैं तुम्हें भी छोड़ सकती हूँ। हाँ हाँ छोड़ दो छोड़ दो, आज के बाद मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। आज के बाद क्यों? अभी से I don't care a damn for you. I also don't care a damn for you. तुम जैसी सैकड़ों लड़के मेरी जेब में रहती है, जेब में, समझी, जेब में।
जाओ जाओ। Wonderful, wonderful. Cheers. 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 Are you, sir? इंतजार की बच्ची वेटर डैम इट तुमने मुझे अंदर क्यों बुलाया जवाब दो गुनगुना क्यों रही हो देखो अगर तुम ये समझते हो कि मैं तुमसे माफी मांगू तो ये नामुमकिन है अगर तुम अपनी गलती मानने के लिए तैयार हो तो शायद मैं माफ कर दूंगा प्रॉमिस तो फिर आओ अंदर अंदर तुम यस माय लव लेकिन तुम यहां कैसे ये जान के क्या करोगे डाली हम चाहने वाले तेरे सलाम तुझे ढूंढ ही लेंगे कहीं ना कहीं मेरे पास आते हुए तुम्हें डर नहीं लगा डर तो तुम कब का निकाल चुके हो उस मामले के बाद भी जब पुलिस इंस्पेक्टर के सामने तुमने मुझे छोटा बनाया था डार्लिंग उस वक्त मैं मजबूर थी बदमाशों ने सारे कमरे को घेर रखा था इसलिए मैंने वही कहा जो उन्होंने मुझसे कहलवाया डार्लिंग मैं जान दे सकती हूँ मगर वहां नहीं यहाँ तुम्हारी बाहों में छोड़ दो मुझे अब मैं वो नहीं हूं जो तुम मुझे समझती हो कह दो किसी और से प्यार करते हो शायद तो दादी दिल के किसी कोने में तलाश करो शायद मेरे लिए कोई जगह निकल आए बिल्कुल नहीं अब तुम यहां से जा सकती हो अच्छा लेकिन जाने से पहले क्या तुम मेरी ख्वाहिश पूरी कर सकते हो वो क्या तुम्हें याद है हमारी मोहब्बत शराब के जाम से शुरू हुई थी और आज ये खत्म शराब के जाम पर ही होनी चाहिए मैं फिर मदोश हो जाऊंगी और तुम्हारी याद सीने से लगाई हुई चले जाओ Cheers. Cheers. ये हो रहा है मेरे कमरे में कौन है ये है मैं मेरी फ्रेंड नैंसी हाय स्वीटी डोंट हाइड मी रोमा मैं समझा तुमने मुझे कमरे में बुलाया था इसलिए मैं आया आप किस लिए आए थे ये सब मैंने देखा मेरी बात तो सुनो मैं एक लफ्ज भी नहीं सुना था प्लीज अब मैं यहाँ एक मिनट भी नहीं छोड़ूंगी रोमा मुझे समझने की कोशिश तो करो अब और क्या समझाओगे मुझे ये क्या करें बिल्कुल समझ गई काश मैंने पहले समझ लिया होता काश तुमने मुझे समझा होता रोमा ये क्या बचपना है बाय स्वीटी Old is gold. मैं कहती हूँ मैं यहाँ से क्यों जाऊँ किराया मैं देती हूँ कमरा मेरा है और जाऊँ भी मैं मैंने कोई मुफ्त खोरों को पाने का ठेका ले रखा है देखो रोमा जबान संभाल के बात करो मैं तुम्हारा बहुत लिहाज कर रहा हूँ नहीं तो तुम मेरा क्या कर लोगे तुम्हारी जगह कोई और होता तो कुछ करके भी दिखाता तुम तो बच्ची हो बच्ची तुम्हारे क्या मुंह लगूंगा मैं बच्ची हाँ हाँ बच्ची नादान नालायक बेवकूफ और ना समझ विकी मैं तुम्हारी बेइज्जती होते हुए नहीं देख सकती चलो हाँ हाँ जाओ जाओ कौन परवाह करता है तुम्हारी कमल ये फ्लैट किसका है अब तो अपने ही समझो अपना हाँ जब हमारी ग्रैंड मदर खुदा की घर गई तो ये घर हमारे लिए छोड़ गए तुम बहुत खुशकिस्मत हो मेरे पिताजी मेरे लिए इस गिटार के सिवा और कुछ नहीं छोड़ गए थे हाउ सैड ये गिटार तुम्हारी जान का दुश्मन बन गया है देखिए ये गिटार उन लोगों को दे क्यों नहीं देते क्योंकि पिताजी की सिर्फ यही एक निशानी मेरे पास है और मैं किसी भी कीमत पर इसे अपने आप से जुदा नहीं करूंगा चाहे तुम्हें अपनी जान भी देनी पड़े मैं उसकी जान ले भी तो सकता हूं जो मुझसे गिटार लेने की कोशिश करेगा नैंसी
और अगर हम ये कोशिश करें तो तुम्हारी कोशिश कामयाब होने से पहले मैं तुम्हारी ये नाजुक कर ओहो आई वाज ओनली जोकिंग मैं भी जोक कर रहा था लो और तुम यहाँ आराम से बैठ मैं अभी चेंज करके आती हूँ के साथ मिले हुई हो स्टॉप विकी वरना गोली मार दूं नहीं नैंसी तुम मेरी जान नहीं ले सकती तुम मुझ पर गोली नहीं चला सकती कोशिश मत करो लाइन डिस्कनेक्टेड है ओ पहले से ही सब कुछ सोच रखा था ओके बस कमीनी विकी विकी आई एम सॉरी विकी मैं मजबूर थी इन लोगों ने मेरे पापा
साइड में रखा है। नंसी, सर हम अभी तक तुम्हारे गैस वाले फार्मूले का इंतजार कर रहे हैं। हमारा काम कर दो, तुम्हें मुंह मांगी कीमत मिलेगी। इसका जवाब पहले भी कई बार दे चुका हूं, रुपयों के खातिर मैं अपना जमीर कभी नहीं बेचूंगा। उस धरती मां के नाम पर कलंक नहीं लगाऊंगा जिसकी गोद में मैं पला हूं। और तुम जैसे हकदारों के लिए मैं अपने करोड़ों हिंदुस्तानी भाइयों की जिंदगी खतरे में नहीं डालूंगा। हमारे सब्र का इम्तहान मत लो, वरना तुम इसका अंजाम जानते हो। मौत, जिससे सिर्फ बुजदिल रहते हैं। प्रोफेसर, हम तुम्हें मरने भी नहीं देंगे और जीने भी नहीं देंगे। इसे इतना तड़पाओ कि ये हमसे मौत की भीख मांगे। ले जाओ इसे। मैं बच्ची हूं और जो विकी के साथ थी वो बच्ची नहीं, क्योंकि वो शराब पीती है। मैं भी पीऊंगी। वन स्कॉच प्लीज। मिस्टर विके, जब से तुम्हारा गिटार सुना है गिटार का मैं भी आशिक बन गया हूं। मैं भी गिटार सीख रहा हूं। बाय द वे, हाउ इज योर स्वीट हार्ट? माफ कीजिएगा, आप चुप रहने का क्या लेंगे? डबल स्कॉच। डबल स्कॉच, थैंक यू। हमसे रोशन है चांद और तारे, हमको दामन समझिए गैरत का। उठ गए हम मगर जमाने से, नाम मिट जाएगा मोहब्बत का। दिल है नाजुक कली से फूलों से, ये न टूटे ख्याल रखिएगा। और अगर आपसे ये टूट गया, जान जाए इतना ही समझिएगा। क्या फिर कोई बावर मोहब्बत की अपनी जुल्फें नहीं सवारेगी। आरती फिर किसी कन्हैया की, कोई राधा नहीं उतारेगी। आओ हुजूर तुमको सितारों ऐसी बाहरों में ले चलूं।
उजले उजले नजारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ हुजूर आओ। लिख दो लिख दो किताबे दिल पे कोई ऐसी दास्तां जिसकी मिसाल दे न सके सात आसमां। लिख दो किताबे दिल पे कोई ऐसी दास्तां जिसकी Thank you. Wonderful. Come in, Mr. Vicky. Roma, तुमने बहुत शराब पी रखी। बहुत नहीं, थोड़ी सी पी है। लेकिन क्यों? तुम्हारे चले जाने से मेरे अंदर आग से सुलगने लगी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने चाह गुस्से को पी जाऊं। देखा तो सामने शराब थी, मैं वही पी थी। तो क्या शराब से वाद बुझ गई? और भड़क गई। रोमा, ये आग शराब से नहीं बुझेगी। तो फिर कैसे बुझेगी? प्यार से। तुमने पहले से ही गले लगा लिया होता तो मैं शराब ही क्यों पीती? आइंदा मत पीना। चलो अब आराम करो, अब सो जाओ। वादा करो अब तुम उस नैंसी से कभी नहीं मिलोगे। वादा करता हूं अब कभी नहीं मिलूंगा। मंगेतर भाग गई है। मेरे भी भाग गई थी। मेरा कहा मानिए, तलाश छोड़ दीजिए। सीरियस केस, नो होप ओनली बॉब होप। आज कौन बकरे फंसे? ओहो हो, आप लोग। कहिए श्रीमान जी, मैं आप लोगों की क्या सेवा कर सकता हूं? आप लोग किसी की जीव हत्या करके आए हैं या करने वाले हैं? और वो भी आपकी।
मेरी मगर किस खुशी में? तुम विकी के दोस्त हो, हमें उसका गिटार चाहिए। मेरी समझ में ये नहीं आता कि उस गिटार में रखा क्या है और आप लोग उस गिटार के पीछे क्यों पड़े हुए। ये राज जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, या तो उस गिटार को लाने का वादा करो नहीं तो। इसे जरा पीछे रखिए, आप जरा शांति से बैठिए। बालक हमारी वस्त्रशाला के पट खोलो, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। अरे रुको, हम मर गए, रुको मर गए। अरे भाई पहले इसे तो रोको। देख लिया आप लोगों ने, आप तो सिर्फ चार आए थे, आप जैसे जानी भवन में 420 भी आ जाएं तो उन सब का प्रबंध हो सकता है। आपको गिटार चाहिए तो माल लाइए माल। कितना माल चाहिए? 20,000। मगर एक शर्त, इस हाथ पर गिटार, इस हाथ से माल। अगर जानी भाई बगैर दक्षिणा लिए कोई केस नहीं पकड़ता। ये लो 5,000 रुपए एडवांस की, गिटार लेकर कल छोटे कब्रिस्तान में चले आना। प्रॉब्लम सॉल्व। एक बात सुनते जाइए कि आप लोगों ने यहाँ जितने चमत्कार देखे हैं ये सिर्फ नमूना थे, नमूना सैंपल ट्रेलर है, इसमें कोई चाल या धोखा हुआ? नहीं, इतना रखो कोई धोखा नहीं होगा। ये हैंगओवर है, सर फटा जा रहा है। इतनी शराब पियोगे तो सर नहीं फटेगा। जानती हो कल रात तुमने कितनी शराब पी थी? कितनी पी थी? इतनी पी थी कि जो बातें तुम कभी होश में ना कह पाती सब की सब नशे में कह डाली। क्या कहा था मैंने? याद नहीं? कल रात तुमने मेरे गले लग के कहा था अगर मैंने तुम्हें पहले ही गले से लगा लिया होता तो तुम शराब कभी नहीं पीती। मुझे तो ये भी याद नहीं कि मैं तुमसे मिली थी। तो फिर मैं ही पागल था, पागल पागल पागल। क्या हुआ? क्या नहीं हुआ, सैकड़ों लड़कियों से मुलाकात हुई, हजारों लड़कियों ने मोहब्बत के इकरार किया, अपने दिल मुझ पर फेंके, मैंने कोई परवाह नहीं की, और अब मरा भी तो किस पर जिसे प्यार का मतलब ही नहीं मालूम। प्यार? हाँ हाँ प्यार, जो मैं भूल कर तुमसे कर बैठा। विकी भाई, विकी भाई, विकी भाई, इबड़ी पा, इबड़ी पा, अलीफुस, 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 क्या हुआ? ये लो, गवर्नमेंट के टकसाल में छपा हुआ मेरी और तुम्हारी मौत का परवाना। ये पैसे कहाँ से मारे? मारे? मैं कोई तुम्हारी तरह उठाई गिर हूँ। अरे तुम्हारे वो बाबा जान आए थे, गिटार का एडवांस दे गए। तो तुम गिटार लेने आए हो? गिटार नहीं बाबा, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, और इससे पहले कि उन्हें मालूम हो कि मैंने उन्हें चकना दिया है, हम दोनों को यहाँ से 9-2-11 हो जाना चाहिए। अरे बेवकूफ, ये पैसे लेकर तुम भी मेरे साथ मुसीबत में फंस गए, अब तो तुम्हें भी मेरे साथ भागना होगा। अरे भागना क्यों पड़ेगा मेरी जान, एक गाड़ी बाहर तैयार खड़ी है, अपन दोनों बैठ के चलेंगे बड़ी शान से। अरे चलो जल्दी करो, सोचने का वक्त नहीं है। अच्छा मैडम रोमा, अब तो हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे को गुड बाय करने का वक्त आ गया। चलो विकी। क्या है? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। क्यों? मुझे लगता है कि इस गिटार में कोई राज है, और मैं चाहती हूँ कि जब ये राज खुले तो मैं भी देखूं। देखो रोमा, हम नहीं चाहते कि हमारे साथ चल के तुम अपनी जान खतरे में डालो। लेकिन तुम्हारे साथ रहकर मैं बच भी जाऊंगी, लेकिन अगर यहाँ रही तो बचने का कोई चांस नहीं। क्यों, क्या बात है? तुम्हारे जाने के बाद अगर इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया तो? अरे वाह, तुम्हें क्यों पकड़ेंगे, गिटार तो मेरे पास है, क्यों जाने? सॉरी, यू आर राइट। लेकिन उन्हें क्या मालूम कि तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं, हो सकता है वो मेरी जान की धमकी देकर तुम्हें वापस बुला ले, फिर तुम्हें आना पड़ेगा ना। यू आर ऑल्सो राइट। विकी भाई, मैं तो अकलमंद था जो बच गया, ये बिचारी कैसे बचेगी? हाँ मैं कैसे बचूंगी। अच्छा बाबा चलो। थैंक यू विकी। कॉपियन, विकी और उसके साथी होटल छोड़कर जा रहे हैं, मेरे लिए क्या ऑर्डर्स है? जाने दो, हमारे आदमी रास्ते में उन्हें घेर लेंगे। यस कॉपियन।
से, लेकिन ये जरूर घूमेगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये जरूर टूटेगी। Thank you.
बारे में बैठकर रो गई है। क्या बक रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ सर। तो फिर यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? फौरन जाओ, पुलिस को इतला दो, एयरफोर्स की हेल्प लो, कुछ भी करो, लेकिन मेरी बेटी को सही सलामत वापस ले आओ। सर गैस निकल रही है। क्या होगा? खबर मत, डर लग रहा है। थैंक गॉड, भगवान ने हमें जिंदा जमीन पर उतार दिया। हाँ जिंदा तो है, मगर हमारी मतलब वही हुई, आसमान से गिरे और खजूर में अटके। क्या मतलब? मतलब यह कि हम दलदल में गिरे। ओह नो विक्की, हम तो सच में जिसमें धस जाएंगे। भगवान के लिए कुछ करो ना। हाँ करता हूँ, डरो मत। जल्दी करो, मत जल्दी करो नहीं तो धस जाएंगे। जल्दी करो। कौन फिर से कोशिश करो विक्की। लग गया। आओ आ जाओ, संभाल के।
करके रखो। स्वर्ग में थे, फिर नरक में गिरे, अब भगवान जाने कहाँ जाना है। जान तो बच गए, दलदल में रहते तो अब तक मर खप गए होते। अगर मर खप जाते तो हम दोनों कमल के फूल बन के इस दलदल को सजाते। ठीक है, लेकिन अब जाएंगे कहाँ? यहाँ का रास्ता तो देख ही लिया है। मैम साहब, अब एक ही रास्ता बाकी। कौन सा? वो पानी का। लेकिन ये रास्ता कहाँ निकलेगा? कहीं ना कहीं तो निकलेगा। चलो यहाँ से। जानी भाई, आज तो तुम हमारे लिए फरिश्ता बनकर आए। पहले तुम कपड़े बदल लो, बाकी की बातें बाद में। चलो कपड़े बदल लो। की खास मेहमान हो, मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया। दूर रहो मुझसे, मेरे साथी कहाँ हैं? उनकी फिक्र मत करो, उनकी खातिर तवाज़ो बहुत अच्छी तरह से हो रही। गुब्बारे की सैर और जंगल की दौड़ धूप के बाद मुझे यकीन है कि तुम्हें भूख बहुत लगी हो। लो कुछ खा लो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि मेरे साथी कहाँ हैं। जानने से पहले तुम्हें यह बताना होगा कि वो स्लिप कहां है जो गोम्स ने तुम्हारे इस गिटार में लगाई थी। मैं बार बार कह चुका हूं कि अगर वो गिटार में नहीं तो मैं कुछ नहीं जानता। तुम जानते हो और मैं तुमसे जानकर रहूंगा। तुम बताओ वो स्लिप कहां है? हो सकता है मिस्टर गोम्स ने गिटार में स्लिप लगाई ही ना। लगाई थी, मगर स्लिप स्लिप भी तो हो सकती है। हाँ, जैसे आप हमारे 5000 रुपए लेकर स्लिप हो गए थे। तुम ये कहोगे कि वो गिटार भी स्लिप हो गया है, ये कुछ दूसरा गिटार है। हो सकता है आप ठीक बकते हो। विकी भाई, अपनी गिटार अच्छी तरह देख लो, मुमकिन है ये गिटार तुम्हारी ना हो और हम मुफ्त में मार खाते रहे। देख लो, अच्छी तरह से देख लो, लेकिन याद रहे अगर आज वो स्लिप ना मिला तो फिर तुम्हें कुछ और देखना नसीब ना होगा। ये गिटार मेरा नहीं है।
मैं सच कहता हूँ, ये गिटार मेरा नहीं है। हमें धोखा देने की कोशिश ना करो। तुम जानते हो मेरा गिटार मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है, लेकिन ये गिटार मेरा नहीं है। अब मैं जानना चाहता हूँ मेरा गिटार कहाँ है। इस स्लिप में जो डॉट्स आप देख रहे हैं इन्हें माइक्रो डॉट्स कहते हैं। ये असल में फोटोग्राफ्स हैं जो कई सौ गुने छोटे कर दिए गए हैं। यही फोटोग्राफ गोम्स हमें देना चाहता था। इसे प्रोजेक्टर पर लगाइए। कांग्रेचुलेशंस एजेंट 212, सीआईडी की हैसियत से जो काम आपने किया उस पर मैं बड़ा नाज़ है। थैंक यू वेरी मच सर, ये तो मेरा फर्स्ट था। चैंग, एनिमी एजेंट जिसकी हर देश को तलाश है। स्कॉर्पियन, ऑर्गेनाइजेशन का सबसे खतरनाक हत्यारा। लोपेज, स्कॉर्पियन का दाहिना हाथ। जो, ऑर्गेनाइजेशन का सबसे ज्यादा खतरनाक आदमी। स्कॉर्पियन का छुपा हुआ तहखाना और बदमाशों का तहखाना इसी आइलैंड पर है। ये 60 डिग्री नॉर्थ वेस्ट और 70 डिग्री साउथ ईस्ट समंदर में है। अब इस जगह को हमेशा के लिए खत्म करके इन गद्दारों को कानून के हवाले कर दो। वेल डन मिस्टर स्कॉर्पियन, गिटार के साथ साथ भी लोग हाथ में आ गए। वो लोग तो मिल गए, लेकिन वो गिटार नहीं मिला जिसकी हमें तलाश थी। What? हाँ, और ये लोग ये भी नहीं जानते कि इनका गिटार कहाँ है। लेकिन ये लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। इन दोनों को खत्म कर दो। बाल उस लड़की को यहां लाओ। नहीं, सिर्फ इन दोनों को। विकी भाई, ये यमदूत आ गए। यमदूत नहीं, बुद्धिल, जिनकी इंसानियत देख चुकी है और जो खुद एक दिन कुत्ते की मौत मरेंगे। बहुत कुछ कह चुके। कोई आखिरी ख्वाहिश है? एक सेकंड के लिए मेरे हाथ खोल दीजिए। कैसे जानती हो? क्योंकि वो गिटार मैंने छुपाया था। कहाँ? गुब्बारे से निकलने के बाद मैंने ही वो गिटार जंगल में छुपा दिया था। अगर वो गिटार तुमने जंगल में छुपा दिया था तो फिर ये गिटार तुम्हें कहाँ से मिला? ये गिटार हमें धोखा देने की कोशिश ना करो। मैं तुम्हें कह चुका हूँ इस लड़की पर हाथ ना उठाए। खत्म कर दो सिर्फ इन दोनों को। तुम आओ मेरे साथ। विकी, मैं कहती हूँ छोड़ दो मुझे। मुझे मालूम हुआ कि आपने मुझ पर इतनी पाबंदियां क्यों लगा रखी थी। बेटी कहिए, एक देशद्रोही को अपना बाप कहते हुए झिझकना तो मुझे चाहिए। आप मुझे बेटी कहने में क्यों झिझक रहे हैं? मैंने अपनी बेटी के खिलाफ क्या किया है जो मैं झिझकूं? मैंने जो कुछ किया है सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारी खुशियों के लिए, तुम्हारे आराम के लिए। और तुम्हारे ये दोनों साथी आज तक जिंदा हैं सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर तुम हमेशा इनके साथ न रहती तो ये कभी के खत्म हो जाते। मैं अब भी इनके साथ हूँ, इन्हीं के साथ जीऊंगी। तुम मेरे लिए अपनी जिंदगी क्यों खतरे में डाल रही हो? रोमा, वहां से हट जाओ। नहीं, बाप होने के नाते मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, वहां से हट जाओ। ये आवाज मेरे बाप की आवाज नहीं, देश के दुश्मनों की चीफ स्कॉर्पियन की आवाज है। और रोमा स्कॉर्पियन का हुक्म मानने से इनकार करती है। पागल मत बनो। हमारा राज जानने वाला कभी जिंदा नहीं रह सकता, और ये हमारे बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं।
जो कुछ ये जानते हैं वो मैं भी जानती हूँ। लेकिन तुम मेरी बेटी हो। मैं भारत माँ की बेटी हूँ। मैं भी अपने देश के उन बेटे बेटियों में से एक हूँ जिन्हें तुम चांदी के चंद टुकड़ों की खातिर बेच रहे हो। बेवकूफ लड़की, अपनी जबान को लगाम तो वरना। वरना क्या करोगे तुम? मार डालोगे ना? मैं भी यही चाहती हूँ। एक देशद्रोही बाप की बेटी बनकर शर्म की जिंदगी गुजारने से उसकी गोली खाकर शहीद हो जाना कहीं बेहतर है। चला गोली। मैं कहती हूँ चला गोली। रोमा, मुझे मजबूर मत करो। ले जा रहे मेरे, बंद कर दो। और मेरे हुक्म का इंतजार करो। स्कॉर्पियन के दिल में ऐसे जज्बात का जागना हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है मिस्टर चैंग। बेहतर यही है कि इन जज्बात को उठने से पहले कुचल दिया जाए। लेकिन स्कॉर्पियन हमारे इंडियन ब्रांच का चीफ है। चीफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है मिस्टर चैंग, वो ऑर्गेनाइजेशन चीफ के लिए नहीं। तुम ठीक कहते हो। देखिए भाई, ये तारा क्या हुआ? दिल का तारा है मेरा दिल। डॉक्टर, दिल, my heart is eating circles। जानी, विकी कुछ करो ना। विकी भाई, गोली। अरे गोली तो मैं भूल आया। गोली, पानी, गोली, पानी, गोली। भागने की कोशिश में। इन्हें रोको, लेकिन ख्याल रहे कोई गोली नहीं चलाएगा। क्यों? तुम्हारी बेटी इनके साथ है इसलिए। अपनी हैसियत का ख्याल रखो। ये मत भूलो कि तुम इस ऑर्गेनाइजेशन के चीफ से बात कर रहे हो। नहीं, मैं कैसे बाप से बात कर रहा हूं जो जज्बात की रौ में बहकर इस ऑर्गेनाइजेशन को बर्बाद करने में तुला हुआ है। मैं अपनी बेटी की खातिर। मिस स्कॉर्पियन, हम ऐसी हजारों बेटी और बेटों को इस ऑर्गेनाइजेशन पर कुर्बान कर सकते हैं क्योंकि इसे हमने अपने खून से सींचा है। और अब यहां के सब लोगों ने बड़ी अकलमंदी से काम लेते हुए आज से मुझे अपना चीफ बना लिया है। मिस्टर चैंग, लोगेस इज राइट। मिस्टर स्कॉर्पियन, जिंदा या मुर्दा हर हालत में रोको। नहीं, यही कॉमरेड, प्रोसीड। अगर हमें किसी ने रोकने की कोशिश की तो ये बारूद खाना उड़ा दूंगा। कोई गोली नहीं चला है, इन्हें जाने दो। जोली, बाहर जो लॉन्च खड़ी है उसमें ये टाइम बम रख दो।
गया, स्कॉट भी भाग गया। भी निकल गया। इससे पहले कि ये टाइम बम के बारे में उन्हें कुछ बताए, तुम उन्हें खत्म कर दो। जाओ मूव। पायलट, कम ऑन, टेक ऑफ। नॉट रेडी। ओह नो। क्या कहा? इट्स नॉट वर्किंग। तुम इसी में आना। ओके।
इंस्पेक्टर, कानून की हिफाजत के लिए हमें बहुत से फेस बदलने पड़ते हैं। ये लो तुम्हारी गिटार। मेरी गिटार आपके पास? क्लब में मैंने तुमसे बदली, इसी गिटार की वजह से ही हम यहां पहुंचे। कयामत के काजल, होंठों पे गजब की लाली है। बंदा परवर कहिए किसकी, बंदा परवर कहिए किसकी, तकदीर संवरने वाली है।